स्वागत है आपका टेक्निकल दिलसाज यूट्यूब चैनल में। और आज इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा गूगल सर्च हिस्ट्री को डिलीट कैसे कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता गूगल सर्च हिस्ट्री होता क्या है, गूगल सर्च हिस्ट्री आप यहाँ पर जो भी गूगल में सर्च करते हैं वो यहाँ पर आपको दिखाई देता है। पहले आपने गूगल में क्या क्या सर्च किया है वो सब हिस्ट्री आपको यहाँ पर दिखाई देती है। होता क्या है, गलती से अगर हम कोई गलत कीवर्ड यहाँ पर सर्च कर लेते हैं वो कीवर्ड यहाँ पर दिखाता रहता है। जैसे कि हमने कुछ दिन पहले यहाँ पर इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक सर्च किया था तो यहाँ पर दिखा रहा है, लेकिन अगर आपने गलती से कोई गलत कीवर्ड यहाँ पर सर्च कर लिया है तो वो कीवर्ड गूगल सर्च हिस्ट्री में दिखाता रहता है, जिसके कारण आपको डर रहता है कहीं आपका कोई जानने वाला, कोई दोस्त, कोई फैमिली मेंबर आपकी गूगल सर्च हिस्ट्री को ना देख ले, क्योंकि गूगल पर गलती से सर्च किया गया कीवर्ड यहाँ पर गूगल सर्च हिस्ट्री में सेफ हो जाता है। और इस वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं गूगल सर्च हिस्ट्री को डिलीट कैसे कर सकते हैं। पहला जो तरीका है गूगल सर्च हिस्ट्री को डिलीट करने का, वो यहाँ पर आप किसी एक कीवर्ड को भी डिलीट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप केवल इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को डिलीट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर अपना फिंगर होल्ड करना है, और फिंगर होल्ड करने के बाद आपके सामने ये पॉपअप आ जाता है, आपको डिलीट पर टच करने के बाद सिंगल सर्च हिस्ट्री को डिलीट कर देना है। लेकिन अगर आप एक बार में सभी सर्च हिस्ट्री को डिलीट करना चाहते हैं तो उसका मैं आपको तरीका बता देता हूँ आपको इसके लिए क्या करना है। आपको सबसे पहले गूगल ऐप को ओपन कर लेना है। गूगल ऐप को ओपन करने के बाद आपको प्रोफाइल के आइकन पर यहाँ पर टच करना है, और प्रोफाइल के आइकन पर टच करने के बाद आपको सर्च हिस्ट्री पर टच करना है। सर्च हिस्ट्री पर टच करते ही आपको यहाँ पर एक ऑटो डिलीट का ऑप्शन दिया गया है। जैसे ही आप यहाँ पर टच करते हैं तो आपको यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है अपने आप आपकी सर्च हिस्ट्री कब डिलीट हो, 18 मंथ बाद या 3 मंथ बाद या फिर 36 मंथ बाद। लेकिन अगर आप अभी अपनी सर्च हिस्ट्री को डिलीट करना चाहते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर 3 मंथ सिलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट पर टच करते हैं, तो यहाँ पर हमारे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ चुका है। आप यहाँ पर रिव्यू कर सकते हैं, उसके बाद आपको यहाँ पर कन्फर्म पर टच करना है। कन्फर्म पर टच करने के बाद अब यहाँ पर आपको ओके पर टच करना है। ओके पर टच करने के बाद अब यहाँ पर हमारी एक ऐसी सेटिंग हो चुकी है जिसके कारण हमारी जो सर्च हिस्ट्री है वो 3 मंथ के अंदर ऑटोमेटिकली डिलीट होती रहेगी। यानी कि 3 महीने पहले हमारी जो सर्च हिस्ट्री है वो गूगल से ऑटोमेटिकली डिलीट होती रहेगी। लेकिन अगर आपको अभी अपनी गूगल सर्च हिस्ट्री डिलीट करनी है तो आपको यहाँ पर टच करना है, और आपको यहाँ पर डिलीट ऑल टाइम पर टच करना है। अब यहाँ पर कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ चुका है, आपको अब यहाँ पर डिलीट पर टच करना है, और डिलीट पर टच करने के बाद अब यहाँ पर आप देख सकते हैं डिलीट कंप्लीट, हमारी जो गूगल सर्च हिस्ट्री है वो डिलीट हो चुकी है। अब आप यहाँ पर ओके पर टच करेंगे और आप यहाँ पर देखेंगे हमारी जो सर्च हिस्ट्री है वो यहाँ से डिलीट हो चुकी है। हम यहाँ से अब बैक करेंगे, अब हम यहाँ पर सर्च पर टच करते हैं तो आप देख सकते हैं हमारी जो गूगल सर्च हिस्ट्री थी वो डिलीट हो चुकी है। अब यहाँ पर जो सर्च हिस्ट्री दिखा रहा है वो यहाँ पर ट्रेंडिंग सर्च हिस्ट्री है। हमारा जो सर्च किया हुआ हिस्ट्री था वो गूगल ऐप से डिलीट हो चुका है। अभी वीडियो खत्म नहीं हुआ है, हमारा जो सर्च हिस्ट्री डिलीट हुआ है वो गूगल ऐप से डिलीट हुआ है। लेकिन अगर अभी भी आप अपने क्रोम ब्राउजर को ओपन करेंगे और यहाँ पर सर्च पर टच करेंगे तो आपका जितना भी हिस्ट्री है वो यहाँ पर अभी क्रोम ब्राउजर में दिखा रहा है। और क्रोम ब्राउजर से अपना गूगल सर्च हिस्ट्री डिलीट करने के लिए आपको यहाँ पर 3 डॉट पर टच करना है। अब आपको यहाँ पर हिस्ट्री पर टच करना है। हिस्ट्री पर टच करने के बाद हमारी जो हिस्ट्री है वो तमाम हिस्ट्री आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब आपको यहाँ पर क्लियर ब्राउजिंग डाटा पर टच करना है, और यहाँ पर अब आपको लास्ट हर्स की जगह ऑल टाइम सिलेक्ट करना है। ऑल टाइम यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद आपको क्लियर डाटा पर टच करना है, और अब आपका जो हिस्ट्री है वो डिलीट हो चुका है। अब आप देख सकते हैं क्रोम ब्राउजर से भी हमारा गूगल सर्च हिस्ट्री डिलीट हो चुका है। इस तरह आप बड़ी आसानी से गूगल सर्च हिस्ट्री को डिलीट कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, अगर पसंद नहीं आया है तो डिसलाइक कीजिए। अगर आपका अभी भी कोई सवाल या सुझाव है गूगल सर्च हिस्ट्री से रिलेटेड तो नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। और हमारे चैनल टेक्निकल दिलसाज को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी आइकन को दबा दीजिए। हमारी यह वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।